Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। तो आज हम बात करने वाले हैं करियर आफ्टर डिप्लोमा इन फार्मेसी। इससे पहले मैं बता दूं, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में। डिप्लोमा इन फार्मेसी किसे करना चाहिए, आफ्टर ट्वेल्थ आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको कॉलेज कैसे चूज़ करना चाहिए, और अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं तो उसके बाद आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो देखिए, अगर हम डिटेल्स की बात करें कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चाहिएगा, तो देखिए कोर्स ड्यूरेशन जो होता है वो 2 ईयर्स का होता है, 2 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है। जो एज एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम 18 ईयर्स होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो होता है वो होता है 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, आपने 12th एग्जामिनेशन पास किया हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी चलेगा इसमें, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी चलता है। दोनों केसेस में आप लोग डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटेज जो मिनिमम परसेंटेज होता है 50% होता है। देखिए, हर स्टेट की एक एग्ज़ाम होती है जिसके थ्रू आपको फार्मा कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंस मिलता है। ओके, अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जाते हैं तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी पा सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं तो आजकल बहुत सारे कॉलेजेस डायरेक्टली एडमिशन भी लेते हैं। आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। जो 2 साल की फ़ीस होती है वो वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में आप जाते हैं तो 1 लाख के अराउंड 2 साल में आपका पूरा हो जाता है, और वहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 30-40,000 के अंदर आपका पूरा डिप्लोमा हो जाता है। ये जो फीस है ये वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट। तो आप अपनी कॉलेज और स्टेट में पहले वेरीफाई कर लें, उसके हिसाब से ये फ़ीस वेरी करने वाली है। दूसरी बात कि कॉलेज कैसे चूज़ करें कि वो कॉलेज जो है वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि वो जो कॉलेज है वो बहुत ओल्ड होना चाहिए, मतलब थोड़ा पुराना हो, कुछ बैचेस उससे पास हो जाए। उन बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप वहाँ के बारे में आप पूछ सकते हैं कि कॉलेज कैसा है, एजुकेशन का लेवल कैसा है वहाँ का। उसका जो प्लेसमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, गुड प्लेसमेंट्स होना चाहिए। क्या जॉब लगती है कि नहीं लगती है आफ्टर डूइंग डिप्लोमा। अगर जॉब नहीं लगती है तो कोई यूज़लेस है आपके लिए, अगर आप जॉब के पर्पज़ से ही वहाँ जा रहे हैं तो। उसके बाद वो एक्रीडिएट है कि नहीं AICTE से, PCI से, और किसी यूनिवर्सिटी से, स्टेट की यूनिवर्सिटी से। लैब्स एंड प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं कि नहीं होते हैं, गुड फैकल्टी है कि नहीं, फ़ीस आपकी रेंज में आ रही है कि नहीं, ये सारी बातें आपको दिमाग में रखना होगी एक कॉलेज को चूज़ करने से पहले। उसके बाद अगर आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाता है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस के एडमिशन बहुत अच्छे हैं। पर प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा इश्यूज़ आता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। उसी के साथ प्राइवेट कॉलेजेस प्लेसमेंट अच्छे से करा पाती हैं आपकी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो आप उसको कंसीडर करें कि आपको इंडस्ट्री में जॉब करना है या नहीं करना है, उसके हिसाब से आप अपना जो कॉलेज है वो चूज़ करें। ओके, तो ये हो गई सारी बातें। अब किन स्टूडेंट्स को डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहिए आफ्टर 12th? तो देखिए, अगर आप को मेडिकल खोलना है, सीधा सा बात है, अगर आपको मेडिकल खोलना है और बहुत ही फास्ट खोलना है, जैसे आफ्टर 12th आपको बहुत जल्दी इसको खोलना है, तो 2 साल का कोर्स करिए और खोल लीजिए। ओके, आप डिग्री करने के बाद भी, बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद भी खोल सकते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद भी खोल सकते हैं, पर अगर आपको 2 साल में खोलना है तो डिप्लोमा कीजिए और अपनी शॉप ओपन कर लीजिए। या फिर आपकी खुद की शॉप है, पापा रन करते हैं उसे, और आप आगे फ्यूचर में उसे रन करना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा करिए और उस शॉप पर बैठ जाइए, उसको चलाने लग जाइए। ओके, तो ये हो गई डिप्लोमा इन फार्मेसी सिर्फ जिनको शॉप ओपन करनी है उनके लिए। और आपको फार्मा इंडस्ट्री में भी जॉब चाहिए, ज़्यादा बड़ी जॉब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, छोटी मोटी अगर आपको जॉब चाहिए तो आप डिप्लोमा जॉब आराम से मिल जाएगी। थोड़ा ग्रोथ में इशू आता है, आगे जाके फ्यूचर में आपके जो प्रमोशंस हैं वो ज़्यादा नहीं हो पाते, पर डिप्लोमा से आपको जॉब लग जरूर जाती है क्योंकि जॉब्स बहुत सारी हैं। उसी के साथ और बहुत सारी जॉब्स प्रोफाइल हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे की वीडियो के अंदर, तो देखते रहिए। देखिए, अब आपने अगर डी फॉर्म किया है
तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल सकती है, नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब भी मिल सकती है, खुद का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब में भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक एक करके हर जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या जॉब एक डिप्लोमा करे हुए बंदे को मिल सकती है। तो देखिए, आप सबसे पहले आप रेलवे में जा सकते हैं रेलवे फार्मासिस्ट बन के। देखिए, सबसे ख़ास बात यह है इंडिया के अंदर कि इंडिया में जो फार्मेसी की वैल्यू है वो बहुत ही ख़राब है, ठीक है। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हर गवर्नमेंट जॉब के लिए मांगा जाता है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा जाता है, ओके। तो सैलरी भी उसके हिसाब से होती है, ओके। पर बी फॉर्म और एम फॉर्म को भी एलिजिबल माना जाता है, पर सैलरी उसके हिसाब से नहीं होती है। तो ये डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हर जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगी गई है। पर ये बी फॉर्म और एम फॉर्म वालों के लिए वहीं ख़राब बात है कि उनको सैलरी इतनी नहीं मिल पाती है। तो आप सभी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादातर 90% जॉब्स के अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी ही मांगा जाता है। जैसे कि रेलवेज़ के अंदर रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप, एयरवेज़ के अंदर एयर इंडिया फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप, ठीक है। बैंक्स के अंदर भी देखिए, RRB, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज़ निकलती हैं, कम निकलती हैं इनमें वैकेंसीज़, पर निकलती हैं, ओके। उसी के साथ आप इंडियन आर्मी के अंदर जाते हैं, सिपाही फार्मा बन सकते हैं, गवर्नमेंट फार्मा कंपनीज़ के अंदर जा सकते हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट, कर्नाटका बायोटेक, HLL लाइफ केयर जो कि कोविड की वैक्सीन बनाती हैं, ये सारी जो जॉब सारी कंपनीज़ हैं ये भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के बंदे को लेती है। उसके साथ देखिए, मेडिकल कॉलेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं उसमें भी आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, जैसे एम्स के अंदर, ओके। एम्स के अंदर और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया के अंदर, वहाँ पर भी आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। उसी के साथ अदर पोस्ट भी होती है, CGHS, ISIC, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इनके अंदर भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इनके अंदर भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी ही मांगा जाता है। तो ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हो गई जहाँ पर एक डिप्लोमा करा हुआ बंदा जा सकता है। अब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के बारे में। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर दो तरह की जॉब हम मानते हैं जो मेन होती है, स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट और स्टेट का मेडिकल कॉलेजेस। तो स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट में आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, CSC में, PSC में स्टोर कीपर बन सकते हैं डिप्लोमा करने के बाद, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगी जाती है। वहीं आप स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में भी फार्मासिस्ट और स्टोर कीपर आसानी से बन सकते हैं। सिर्फ आपको अपना जो एजुकेशन का लेवल है वो अच्छा रखना होगा, आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स भी होते हैं, वहाँ पे भी कभी कभी वैकेंसीज निकलती है, UP के अंदर, MP के अंदर निकलती रहती हैं ऐसी वैकेंसीज इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर। अब अदर डिपार्टमेंट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं उसमें देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आ जाते हैं, जैसे मेडिसिन बाइंग कॉरपोरेशंस होती हैं, RBS के फार्मासिस्ट होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट होते हैं, DHS डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज़ होती है, RKS होते हैं, ऐसी बहुत सारी लोकल जॉब्स भी होती हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट होती हैं और वहाँ पर भी डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा जाता है। देखिए, अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स के बारे में। तो देखिए, प्राइवेट जॉब्स के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रायोरिटी पे आता है, उसमें भी आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, प्रोडक्शन के अंदर जा सकते हैं और एक प्रोडक्शन केमिस्ट बन सकते हैं। देखिए, QA QC और इधर डिपार्टमेंट में जाने के लिए मिनिमम डिग्री मांगी जाती है, मास्टर इन फार्मेसी माना जाता है। तो अगर आपको छोटी जॉब चाहिए जिससे आप सेटिस्फाइड हैं तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएं डिप्लोमा करने के बाद, अदरवाइज़ आपको डिग्री करना चाहिए, ओके, डिप्लोमा नहीं करना चाहिए। मेनली मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको सिर्फ शॉप ओपन करनी है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आपको डिप्लोमा करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको हायर लेवल पे बड़ी जॉब के लिए या बड़ी इंडस्ट्री के अंदर बड़े पोस्ट के लिए जाना है तो आपको डिग्री या फिर M.Pharm करना चाहिए। मेडिकल कोडिंग में आप जा सकते हैं, देखिए प्राइवेट जॉब्स में मेडिकल कोडिंग के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जिसमें आप मेडिकल कोडर बनते हैं, उसकी जो लिंक है वो मैंने आई बटन में ऊपर दी है, जिससे आप मेडिकल कोडिंग के बारे में सारी जानकारी जान लेंगे आखिर होता क्या है इसके अंदर। ये भी अभी ग्रोइंग फेज़ में है और बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज मिलते हैं इसके अंदर। उसके साथ आप मेडिकल शॉप रिटेल चेन में भी फार्मासिस्ट जैसे काम कर सकते हैं, जैसे आरोग्याम, ई फार्मा, फार्माइजी, ऐसे बहुत सारे जो अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल चेन्स हैं फार्मा की, वहाँ पर भी आप केमिस्ट जैसे काम कर सकते हैं। ये सारी हो गई प्राइवेट जॉब्स। अब हम बात करते हैं बिज़नेस की। देखिए, बिज़नेस का जिससे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपको बिज़नेस खोलना है मेडिकल शॉप, तो आपके लिए डिप्लोमा से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। आप रिटेल या होलसेल की दुकान खोल सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद, या फिर आपके
आपके घर में ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश शॉप है तो आप आसानी से डिप्लोमा कीजिए 2 साल का और अपनी दुकान पर बैठिए। अब लास्ट बात आती है हायर स्टडीज़ की, तो देखिए हायर स्टडीज़ में अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया तो उसके बाद आप बैचलर ऑफ़ फार्मेसी कर सकते हैं या फार्मडी कर सकते हैं। देखिए ये दोनों ही केस में मैं आपको मना करूँगा, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपने डिसीज़न ही गलत लिया है। आप 12th के बाद पहले प्रॉपर डिसीज़न लेंगे आपको करना क्या है, हमेशा उल्टा सोचिए। ओके, आप उल्टा सोचेंगे तो आप अपने गोल की ओर जल्दी पहुंचेंगे। जैसे आप अपने गोल के बारे में सोचें पहले कि मुझे हाँ भाई दुकान खोलनी है, तो डेफिनेटली आपको दुकान खोलनी है तो आप डिप्लोमा कीजिए। अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है, आपका पहले से गोल क्लियर है, तो आपको बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहिए, 2 साल डिप्लोमा में नहीं बिगड़ना चाहिए। या फार्मडी करना है, फार्माको विजिलेंस में जाना है, बड़ी पोस्ट पर जाना है, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, तो ये सारी पोस्ट के लिए आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी या फिर एम फार्मेसी या फार्मडी करना पड़ेंगे। तो पहले से आप उसी में एडमिशन लें, डिप्लोमा करके अपना वक्त बर्बाद ना करें। डिप्लोमा जब ही करें जब आप को श्योर हो, डैम श्योर हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फार्मा की मेडिकल शॉप ओपन करनी है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाला जो काम करना है, या फिर छोटी मोटी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ओके, तभी आप डिप्लोमा इन फार्मेसी को चूज़ करें, अदरवाइज आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएं, बी फार्मेसी या फार्मडी बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। और जिस प्रकार से अभी का माहौल है, आने वाला समय मेडिकल लाइन के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है मेडिकल फील्ड के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडिया बहुत ही जल्दी हब भी बनेगा बहुत सारी चीज़ों का। चाइना के बाद इंडिया में बहुत सारा प्रोडक्शन होने वाला है चीज़ों का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओपन होंगी, बहुत सारी डेवलपमेंट होंगे, तो जॉब की बहुत सारे ऑप्शन है। सिर्फ आपको चाहिए मेहनत। अगर आप मेहनत करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको फार्मा के अंदर जॉब ही जॉब मिलने वाला है। तो ये सारी बातें थी डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा फॉर यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।